हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास सोनी डीएवी टीजेड टीजेड आप देखिए यहाँ पे टीजेड 215-210 एक ही सिस्टम आता है और इसमें साउंड नहीं आ रहा था, तो इसमें मैंने तीनों आईसी डाला है। आप देख लीजिए, ये 9843 आईसी है तीनों। एक बहुत बेहतरीन आईसी आता है ये वाला, क्योंकि ये आप निकाल के जैसे एक दो बार भी डालेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। 9843 आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे इसको चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो सप्लाई है, यहाँ पे 1.6 आ रहा है, ठीक है 1.6। फिर उसके बाद ये आईसी से आउट होगा यहाँ पे 1.6, उसके बाद फिर ये आईसी से यहाँ पे इन होगा और फिर यहाँ से आउट होगा 1.6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.6 है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताता हूँ आपको। तो ये साइड से ऑडियो इन होता है और ये साइड से आउट होता है, उसके बाद फिर इसमें होके फिर इसमें जाता है। तो आप समझ लो यहाँ पे देखिए 470 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इस पर 1.6, इस पर 1.6, ठीक है, उसके बाद इस पर 1.6 और ये इस पर 1.6। ये चारों रजिस्टर जो है, दो सेंटर होगा, दो बूफर होगा, दो बूफर, ये दो सेंटर, सब पे 1.6। उसके बाद आगे आते हैं ये वाली आईसी पे, ठीक है, ये बीच का सराउंड के है। फिर इस पे यहाँ पे 1.6 1.6 1.6 और 1.6, ठीक है। ये फिर दो सराउंड का हो गया और दो अपना मतलब एक सराउंड इधर हो गया आर का एल का, ठीक है, लेफ्ट राइट का। उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्रंट में। फिर आप यहाँ आके देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर लगा है 1.6 1.6 और 1.6 1.6। जब तक ये सप्लाई यहाँ से आउट नहीं करेगा तब तक ये आईसी वर्क नहीं करेगा। तो ये आईसी अगर 1.6 आउट नहीं कर रहा है तो ये आईसी ख़राब रहेगा, ठीक है। और स्पीकर नहीं भी बज रहा है तो अभी आप समझ लो मैं बूफर का चेक कर रहा हूँ। इस पर कितना आया 12.95। तो ये 13 वोल्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 13 वोल्ट वो 19-20 रहेगा लेकिन 13 वोल्ट ही है, 13 वोल्ट ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब मैं देखिए मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सेंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सराउंड के, इसमें इसमें, उसके बाद ये राइट वाला, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं फ्रंट में, ये हो गया फ्रंट 13 वोल्ट और ये फ्रंट 13 वोल्ट, ये फ्रंट 13 वोल्ट और ये फ्रंट 13 वोल्ट, तो एकदम कंप्लीट हो गया। देखिए आप यहाँ पे आईसी भी पड़ा है, मैंने ये आईसी डाला है, दो आईसी इधर पड़ा है, एक आईसी इधर कहीं और पड़ा होगा, तो तीनों आईसी इसका ख़राब था और तीनों एक ही नंबर की आईसी डाली है 9843 9843। आप देख लीजिए 9843 एस मास्टर आईसी है, तीनों एक ही नंबर की आईसी डाली। तो इसका ये डालने का एडवांटेज ये है, तीनों आईसी डालने का एडवांटेज ये है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूचर लाइक जैसे एक महीना, दो महीना, चार महीना, अभी ये समझ लो एक आईसी ख़राब है, यही ख़राब है और मैंने यही चेंज कर दिया, बट आगे ये तो ख़राब नहीं होगा लेकिन इसमें और इसमें प्रॉब्लम कर देगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार में अगर मैं डाल ही रहा हूँ तो एक बार मैं तीनों आईसी डाल दूँगा तो प्रॉपर एकदम परफेक्ट काम करने लगता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्टीम आईसी चेक करके आपका स्टीम आईसी ख़राब है, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जैसे सीडी पे है तो सीडी पे प्लीज़ वेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1.6 1.6 हर जगह से 1.6 जब आउट होगा 13 वोल्ट भी दिखाएगा फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आप उसमें चेक करो उसमें क्या दिखा रहा है डिस्प्ले के पीछे जो जाता है। देखो लेट प्लीज वेट रहेगा तो भी आपको साउंड नहीं आएगा, और एक ओनली प्लीज वेट रहेगा तो भी साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कन्फर्म करना है आगे कि आगे उसमें वही चीज़ है, या फिर आप जैसे समझ लो सीडी आपका ख़राब है, सीडी ज़्यादातर वो यूज करता नहीं, सीडी ख़राब, तो आप पेन ड्राइव डाल के आप चेक करिए कि जो है पेन ड्राइव पूरा प्ले ले रहा है क्या। जब पेन ड्राइव प्ले लेगा और फिर भी साउंड नहीं आ रहा है तब फिर यहाँ ये इसमें हाथ डालने का। और इसको ये भी बताता हूँ कि इसको हीट नहीं करना है आप, क्योंकि ये जो पीस आया था मेरे पास तीनों आईसी एकदम हीट कर दिया था, इसके वजह से वो इसमें 9788 लगा था, मैंने 9843 डाला है, जो कि ये सबसे बेस्ट आईसी है, बढ़िया आईसी है, जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, मैंने आज ही इसको रेडी किया था, मैंने सामने वाले से बोला था कि क्या है क्या नहीं, इसमें क्या फॉल्ट है तुमको, क्योंकि ये तीनों आईसी जो है इतना हीट किए थे कि यहाँ की प्रिंट जो है पूरी रेड हो गई थी,
प्रिंट पूरी रेड हो गई थी, तो इसको निकाल के मैंने तीनों आईसी डाला और ये कंप्लीट एकदम चालू हो गया। तो ये आईसी प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये आईसी भी ख़राब नहीं होता। इसमें प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया भी था, ये देखिए 0 ओम्स का रजिस्टर दिख रहा है, ये वाला, ये रजिस्टर आप निकाल दीजिए, आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर भी निकाल देंगे तो भी चलेगा, ये रजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर दोनों, ये रजिस्टर निकाल देंगे ज़्यादा बेटर, निकाल देंगे तो आपका प्रोडक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें तो था नहीं, ये मेरा डमी पीस है रिपेयरिंग के लिए, जैसे बोर्ड ऑर्डर आता है तो मैं रिपेयरिंग करता हूँ। तो आप देखते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।